कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया है। आज के इस छोटे से वीडियो में छोटी सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा मैं आपको, जो कि आपके बहुत फायदे की हो सकती है अगर आप उस जानकारी को ठीक से देखते हैं और आपके मशीन में अप्लाई करते हैं। आप ही में से किसी ने एक सवाल पूछा था, उसी सवाल पे एक वीडियो बनाना सोचा मैंने, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि उसका रीज़न है आपका भाई जो है गाड़ी से स्लिप हुआ था और थोड़ा सा हाथ में और घुटनों में लगा। अभी अब तो सब कुछ बढ़िया है, अभी कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसके लिए आपको पिछले 3 दिनों में वीडियो नहीं मिले और आज भी घर पे ही हूँ। तो सोचा यार चलो, बहुत सारे कमेंट देखे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स है आप सभी के, तो एक कमेंट का वीडियो बनाने में भी, एक कमेंट का आंसर देने में भी 2-4 मिनट आसानी से लग जाते हैं। तो सोचा कि चलो ऐसे करते हैं, आज के बाद अगर आपने से किसी की कमेंट मुझे लगे ठीक है, जो आप सभी के फायदे की हो सकती है, तो उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ इस तरह से अगर मैं वीडियो बनाता हूँ वो ठीक रहेगा, या जब साइड पे जाता हूँ वहीं पे ही ठीक रहेगा, आप बस मुझे कमेंट करके बताना। अब एक सवाल लेता हूँ मैं, हाँ भाई, मेरे जेसीबी का स्टेबिलाइजर की वजह से बहुत ज़्यादा जेसीबी हिल रही है, तो उसमें क्या करूँ, स्टेबिलाइजर में पट्टी लगवाए या आउटर बदल दूँ? ऐसा श्री UPSC का सवाल है, हमारे सब्सक्राइबर है, आप ही में से एक है। तो देखिए, अगर जेसीबी हमारा ज़्यादा हिलता है बकेट के काम पे, तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसके पहले कुछ वीडियो में भी बताया है, आपका मशीन जैसे ही नया है उसी टाइम को आपको स्टेबिलाइजर का अगर ठीक से ध्यान देते हैं आप, हमारे स्टेबिलाइजर इनर होते हैं तो ऊपर 4 पैड और नीचे 4 पैड आते हैं, जो चेक नेट होता है उसमें 2 और उसके बिल्कुल पीछे 2 पैड, और ऊपर जो स्लाइड होता है इनर उस पर 4 पैड आती है। तो आपको क्या करना है, कभी भी ध्यान में रखने का, अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं, समझो 2 साल में 50 से 60 हज़ार रुपये आपके बचेंगे। अगर आपको सिर्फ क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये भी बताऊँगा मैं आपको आगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, चेक नट जो है ना, चेक नट को जैसे ही गैप आता है बिल्कुल तुरंत टाइट करना है, 2-3 दिन में थोड़ा सा हल्का सा टाइट करना है, अगर बहुत ज़्यादा चला तो 8 दिन में 10 दिन में आपको हाथ मारना ही मारना है, या फिर थोड़ा सा लूज करो टॉमी लगा के फिर से टाइट करो। इससे क्या होगा, आपका जो चेक नट है जाम होता है, कई बार आपको वेल्डिंग करके और जला के निकालना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम उसे सालों तक हाथ नहीं लगाते, महीनों तक हाथ नहीं लगाते। आपको क्या करना है, बस टॉमी लगाना है, ऊपर नीचे करना है। और एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि वो जो थ्रेड है, थ्रेड को पत्थर लग गया कुछ लग गया तो वो डैमेज होता है, बाद में हिलता नहीं है। तो क्या कर सकते हैं आप, एक रिंग लेना है आपको, जैसे हमारे पुराने मशीन में कॉलेप्स रहता था बकेट के वहाँ पे, हम बकेट के वहाँ पे लगाते थे जिससे क्वार्टर पिन बैठती थी, वैसा वाला एक बड़ा नट के बिल्कुल बाहर से वेल्डिंग करना है आपको, चेक नट के बाहर से स्टेबिलाइजर की, तो उससे क्या होगा, आपका जो थ्रेड है वो डैमेज नहीं होगा, और आपका जो दिक्कत है एक बार पत्थर लगता है तो बाद में चेक नट खुलता नहीं, वो दूर हो जाएगी। और आपको हर 8-10 दिन में चेक नट को थोड़ा थोड़ा टाइट करना है, अगर नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा पता है आपको, अब आप में से जितने भी ऑपरेटर हैं, मालिक है, आपको पता है हमारे स्टेबिलाइजर के बिल्कुल पीछे 2 चेक नट आते हैं दोनों स्टेबिलाइजर में। अब जैसे ही जो पीला या काला पैड कोई भी कलर का हो सकता है, जो चेक नट के अंदर एक पैड आता है उसका गैप बनेगा, घिस घिस के गैप बनेगा, तो क्या होगा, अंदर की तरफ भी पैड होता है जो कि आउटर में फिक्स होता है, पैड को एक क्रो होता है आउटर को और वो पैड उसमें बैठता है, ठीक है, समझिए। अगर हम पीछे से उसको प्रेशर नहीं देते हैं, गैप रखते हैं, तो अगर अंदर का इनर ऐसे डुलता है, हिलता है, अगर जैसे ही आउटर और इनर में गैप आ जाता है, एक तो पहले पैड का गैप होता है, पैड पे घिसता है दोनों, ये तो ठीक है बात, जैसे ही पीछे का पैड नहीं टाइट करोगे आप तो ये गैप बन जाएगी, गैप बनने से क्या होगा, हमारा जो अंदर का पैड है चेक नट के अंदर का अपोजिट साइड का पैड है वो गिर जाएगा नीचे, और नीचे गिरने से क्या होगा, आपका फिर पैड गिर जाएगा, जिस आउटर में पैड बैठता है फिर वो घिसेगा, इनर घिसेगा, और इस तरह से धीरे धीरे पूरा इनर और आउटर घिसता है क्योंकि अंदर पैड नहीं। और फिर कुछ दिनों के बाद आपके ध्यान में भी आ जाता है कि या भाई हमारा आउटर और पैड घिस गया है, तो आप उसे बाद में बिठाने जाओगे ना, अंदर का जो पैड है वो बैठेगा नहीं, क्योंकि उस पर ग्रूव पे मार्किंग आएगी, उसका जो ढांचा है, उसका जो सर्कल होता है वो बिगड़ जाएगा, उस पर स्कोरिंग आएगी,
डैमेज होगा तो आपका अंदर का पैड नहीं बैठेगा। अगर इस तरह से प्रॉब्लम होगा तो ना ही आप अंदर के पैड डाल सकते हो, तो आपको फाइनली फिर पट्टी मारना पड़ता है। तो आपको भी देखना पड़ेगा अगर आपके स्टेबिलाइजर में ग्रो मौजूद है आउटर में तो आप पैड डाल सकते हैं। अगर बहुत पुरानी मशीन है, बहुत ज़्यादा घिस चुका है, जहाँ पे आपके पैड नहीं बैठ सकते, तो आपको फिर आउटर और इनर बदलनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले आप पट्टियाँ मारिए इनर को, जिससे आपके कुछ महीने बच जाएगी अगर उसका पूरा प्रॉब्लम हो चुका है तो। अब ये छोटी सी जानकारी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई है। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या कहना है इस वीडियो पे, आपके कुछ विचार हैं तो वो भी रख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके हमें वो भेज सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अच्छा और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।